Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the exercise 9.1 question number 10 of Math Science in Danica Learning Book at 3i's Tradition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, so we have a 10th question. So इस फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड जो लाइन है लाइन सेगमेंट ए ई और एफ सी है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल ए एंड एंगल सी को रिस्पेक्टिवली. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं लाइन एंगल एफ एंड एफ सी एंड ए ई बाइसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को एंगल ए एंड एंगल सी को. सो हमने फाइंड करना है, हमने प्रूव करना है कि ए ई पैरेलल है एफ सी के. सो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टू प्रूव ए ई इज पैरेलल टू सी पी. इस बार हमने अभी सी पी लिया है, एफ सी हम बाद में लेंगे, सी पी देखो. अब हम क्या करेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ओके, उसी का मतलब है कि 1/2 इज स्मॉलर देन एंगल, मतलब कि 1/2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी. सो देखो अभी ये कितना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो हाफ जो होते हैं ना, हाफ इक्वल होते हैं, ये हमारा रूल है इसको करने के लिए. सो अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी एफ इंटरसेक्ट करता है इनको, सी एफ इंटरसेक्ट करता है इनको. सो अब देखो आगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. सबसे पहले देखो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3, बट दीस फॉर्म अ पेयर. वेट, दीस फॉर्म अ पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल्स. सो इसी हिसाब से हो चुका है हमारा ए इज पैरेलल टू सी एफ. सो अगर आप इस एक्सरसाइज के पीछे वाला सम देखना चाहते हैं सो मैंने उसकी वीडियोस डाली हुई हैं, सो वो आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना. बाय बाय.